यदि देखिए विद्या समीक्षा के अंदर डेटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा, बच्चों की शिक्षा किस स्तर की होगी, बच्चों में किस प्रकार का गुणात्मक सुधार हो रहा है, बच्चों में किस चीज़ की कमी है, उन सब पर अध्ययन करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने के बाद उनको समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। शिक्षा में पिछले दिनों माननीय शिक्षा मंत्री और हम सब लोगों ने बैठकर व्यापक सुधार की बात की है और शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन भी होना बहुत जरूरी है। हमने एक फैसला किया कि जो भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो सभी क्षेत्रों में अगर अपने ड्रेस कोड को लागू करना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट होंगे, अपनी पेरेंट टीचर मीटिंग्स के साथ किस प्रकार का ड्रेस कोड हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाए। गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक ही वर्दी नहीं, मतलब स्कूल के प्रिंसिपल के हिसाब से वो फैसला करेंगे। दूसरा, हमारी 10 गारंटियों में एक गारंटी थी, सातवें नंबर पर गारंटी थी कि 4 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे। पिछले दिनों हमने फैसला किया कि 4 नहीं, अब पहली कक्षा से सभी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम के आधार पर पहली से इंग्लिश पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो हमारी ये इस वर्ष में 11 महीने में तीसरी गारंटी को पूरा किया। पहली गारंटी हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की थी, दूसरी गारंटी 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना की थी और तीसरी गारंटी जो 4 इंग्लिश स्कूल हरे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खोलने की थी, उसका हमने एक नीतिगत फैसला किया कि 4 क्यों, सभी स्कूलों को जो गवर्नमेंट के स्कूल है उनको सभी में इंग्लिश पहली कक्षा से पढ़ाई जाएगी। सर, उत्तराखंड में